बिहार के हाजीपुर में पेट्रोल पंप कर्मियों को बंधक बनाकर हथियार बंद अपराध कर्मियों ने लूटा 6 लाख रुपए। हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग पर बेखौफ अपराधियों ने औद्योगिक थाना क्षेत्र के चौरसिया चौक के समीप जय माता दी पेट्रोल पंप के कर्मियों को पहले बंधक बना लिया और फिर 6 लाख रुपए लूट लिया। घटना मंगलवार की अहले सुबह की बताई जा रही है। सदर SDPO राघव दयाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। पटना पहुंचे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, राम कृपाल यादव, मंगल पांडे, संजय जायसवाल समेत प्रदेश के वरीय नेताओं ने किया स्वागत। बिहार BJP के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्रा की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सुरक्षा जवान की तैनाती के बावजूद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और ट्रेजरी ऑफिसर के सरकारी आवास में चोरी की घटना बिहार के कटिहार जिला से खबर आ रही है। कटिहार जिला मुख्यालय में सहायक थाना क्षेत्र की ऑफिसर कॉलोनी में बीती रात 2 वरीय अधिकारियों के सरकारी आवास में चोरों ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रेहाना रजा और ट्रेजरी ऑफिसर संजय कुमार सिंह के आवास शामिल हैं। देश के पहले खादी मॉल का राजधानी पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। इस मौके पर कहा कि जल्द ही हैंडलूम को भी किया जाएगा प्रमोट। बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पास देश के पहले और सबसे बड़े खादी मॉल का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को किया। मौके पर उद्योग मंत्री श्याम रजक समेत कई अधिकारी और नेता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के बाद खादी मॉल का अवलोकन किया और निरीक्षण भी किया। बिहार के बेतिया में युवक की हत्या के बाद बवाल, आक्रोशित लोगों ने पुलिस जीप को फूंक डाला, अस्पताल में भी भारी तोड़फोड़। जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के खिरिया गांव की यह घटना है। यहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोश में भरे लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल मचाया और पुलिस वाहन को भी फूंक दिया, साथ ही आरोपित के घर पर भी हमला बोल दिया और आगजनी की घटना की गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। राजधानी दिल्ली की 30,000 कोर्ट में हुई वकीलों और पुलिस की हिंसक झड़प का मामला बढ़ता जा रहा है। सोमवार को वकीलों ने प्रदर्शन किया तो मंगलवार को दिल्ली पुलिस के कर्मी भी सड़क पर उतर गए। वे ITO स्थित पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। जवानों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल पटनायक ने कहा कि यह हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है, सभी जवान शांति बनाए रखें और अपनी ड्यूटी पर वापस लौटें। चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, पिता रामविलास की जगह ली। जमुई से सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। चिराग ने पिता रामविलास पासवान की जगह ली है। मंगलवार को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद चिराग के नाम पर मुहर लग गई। रामविलास पासवान ने सन 2000 में लोजपा का गठन किया था और पिछले 19 सालों से वे पार्टी के अध्यक्ष पद संभाल रहे थे। राजस्थान के पुष्कर मेला में 14 करोड़ रुपए का भीमकाय भैंसा बना आकर्षण का केंद्र। 1300 किलो वजन है और काजू बादाम और मक्खन खाता है। राजस्थान के पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले में कई प्रजाति के करीब 5000 से अधिक पशु पहुंचे हैं। इसमें मुर्रा नस्ल का भैंसा भीम भी है। 14 करोड़ का यह भैंसा मेले में दूसरी बार प्रदर्शन के लिए लाया गया है। 1300 किलो वजनी यह भैंसा 6.5 साल का है। भैंसे को उसके मालिक जवाहरलाल जाड़िंग, बेटे अरविंद जाड़िंग, अन्य सहयोगियों के साथ जोधपुर से लेकर पुष्कर मेला पहुंचे हैं। हरभजन ने मोदी से की अपील, हमें उत्तर भारत के वायु प्रदूषण से बचाएं। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सोमवार को ट्वीट कर वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे उत्तर भारत के वायु प्रदूषण से लोगों को बचाएं। हरभजन ने वीडियो में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी अपील की है कि वे मोदी से मिलकर प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ योजना बनाएं। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद के बागमती में डूबने से 10 वर्षीय बालक की मौत। SDRF की टीम ने खोजबीन के बाद बाहर निकाला शव। गायघाट थाना क्षेत्र के लदौर पंचायत के थरमा में सोमवार की देर रात बागमती नदी की तेज धारा में 10 वर्षीय बालक डूब गया। स्थानीय लोगों की मदद से काफी खोजबीन की गई, देर रात शव नहीं मिला। शव बरामद होने के बाद गांव में कोहराम मच गया। मंगलवार की सुबह CO पवन कुमार के निर्देश पर जिले से SDRF की टीम को घटनास्थल पर बुलवाया गया।
खोजबीन शुरू की गई। करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद एसटीआरएफ की टीम ने बच्चे के शव को जैसे ही निकाला कि परिजनों में कोहराम मच गया। हरियाणा से अवैध शराब की बड़ी खेप लेकर बिहार जा रहे 3 तस्कर नोएडा से किए गए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के नोएडा से यह खबर मिल रही है। थाना सेक्टर 58 पुलिस ने बीती रात गश्ती के दौरान एक ट्रक से 403 पेटी अवैध शराब बरामद की है। इस संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह शराब हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी। नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह का बताना है कि बीती रात गश्ती पर निकले सेक्टर 58 के थानाध्यक्ष सावेज खान को सूचना मिली, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। रास्ते में एक ट्रक में तस्करी की शराब भरकर बिहार बेचने के लिए ले जाया जा रहा। कैलाशपति मिश्र के वित्त मंत्री रहते पिछड़ों को मिला आरक्षण, बिहार में बोले डिप्टी सीएम सुशील मोदी। बापू सभागार पटना में आयोजित जनसंघ एवं भाजपा के संस्थापक नेता एवं गुजरात के पूर्व राज्यपाल कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि पर आयोजित एक समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि बिहार में 4 बार सरकार गठन करने में कैलाशपति मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनसंघ के 65 सदस्यों के साथ 1977 में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में बनी जनता पार्टी की सरकार में भी कैलाशपति मिश्र जब वित्त मंत्री बने तो पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में 26% का आरक्षण मिला था। शिवसेना को उम्मीद, गडकरी 2 घंटे के अंदर महाराष्ट्र का गतिरोध कर सकते हैं दूर। नागपुर से यह खबर मिल रही है। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर जारी गतिरोध के बीच कृषि कार्यकर्ता एवं हाल ही में शिवसेना में शामिल हुए किशोर तिवारी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भाजपा और शिवसेना के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष को सुलझाने की जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को मिला बिहार पुलिस एसोसिएशन का समर्थन, निष्पक्ष जांच कराने की उठी मांग। राजधानी दिल्ली में वकीलों के साथ झड़प और मारपीट के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जवान जहां एक ओर सड़क पर उतर आए हैं, वहीं बिहार पुलिस एसोसिएशन ने दिल्ली पुलिस के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस एसोसिएशन दिल्ली पुलिस के हर पीड़ित पुलिस के साथ खड़ा है जिसे पीटा गया है। साथ ही इस मामले में दिल्ली पुलिस को बिहार पुलिस एसोसिएशन नैतिक समर्थन भी करता है। राजधानी पटना में जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या, परिजनों ने आगजनी कर सड़क किया जाम। बिहार की राजधानी पटना के दिघा से यह खबर मिल रही है। मंगलवार की देर शाम बाइक सवार 2 अपराध कर्मियों ने मोहम्मद सैफ नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या सैफ के घर के पास ही हुई। सैफ पर 96 नंबर गेट बांस कोठी के पास हमला किया गया। अपराधियों ने 3 गोली मारी, 1 गोली सिर में लगी जिससे सैफ सड़क पर ही लुढ़क गया। गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटे। सूचना मिलने पर आए परिजन सैफ को इलाज के लिए पीएमसीएच ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र में भाजपा का दावा, सरकार हम ही बनाएंगे। शिवसेना को प्रस्ताव भेजा, 24 घंटे तक इंतजार करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 13 दिन बाद भी सरकार गठन को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर मंगलवार को भी एक बैठक हुई। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि जनता ने भाजपा शिवसेना गठबंधन को जनादेश दिया है, हमने शिवसेना को प्रस्ताव भी भेजा है और हमें उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। हम अगले 24 घंटे तक उनके प्रस्ताव का इंतजार करेंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं। पाटिल ने यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या प्रस्ताव भेजा है। बिमल कुमार महतो बने जाप अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष रघुपति सिंह ने बिमल कुमार महतो को बिहार प्रदेश जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। गुरौल में अब स्कूल में अनियमित बच्चों को घर से लाएगा स्काउट गाइड के कैडर। भारत स्काउट गाइड की इकाई गुरौल के संकुल प्रभारी एवं विद्यालय प्रभारी शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग के डाइट भवन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। जमुई में अविश्वास प्रस्ताव में बरकरार रहा जिला परिषद उपाध्यक्ष की कुर्सी। 11-7 से विपक्ष चारों खाने हुई चित। जमुई जिला परिषद उपाध्यक्ष के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद मंगलवार को जमुई के समाहरणालय स्थित कार्यालय में बहुमत साबित करने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जमुई के डीएम धर्मेंद्र कुमार कर रहे थे।
बैठक के दौरान विपक्ष की ओर से सिर्फ 7 सदस्य ही रहे, जिससे अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। जबकि उपाध्यक्ष जुबेदा खातून ने अपना बहुमत साबित करते हुए एक बार फिर अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने में कामयाबी हासिल की। सांसद चिराग पासवान बने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जमुई में कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशियां। लोजपा द्वारा जुलूस कार्यक्रम का किया गया आयोजन, गाजे बाजे के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का जश्न भी मनाया गया। जमुई के सांसद चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। मंगलवार को शहर में जैसी यह खबर मिली, बाईपास रोड स्थित द्वारिका विवाह भवन में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई, जुलूस निकाला गया, रंग गुलाल उड़ाए गए, एक दूसरे को बधाई भी दी गई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रुबेन सिंह कर रहे। बंदरा के मुन्नी बैंगरी पंचायत में नल जल योजना में अवैध रूप से बोरिंग पाइप गाड़ने के मामले में बंदरा के वीडियो को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई। यह आरोप मुन्नी बैंगरी पंचायत के वार्ड संख्या 11 के ग्रामीणों द्वारा किया गया है। आरोप लगाया गया है कि वार्ड संख्या 11 में नल जल योजना कार्य 1 से 2 दिन में शुरू होने वाली है, जिसमें वार्ड सदस्यों द्वारा मनमानी की जा रही है। अनुसर्वन समिति की बैठक के बिना ही मनमाने तरीके से इस कार्य को अंजाम देने की फिराक में